हमारी एसी की कूलिंग बढ़िया नहीं हो पाती। हमारे सन कंट्रोल आई स्कूल शील्ड ग्रीनिश ग्रे। हीट रिजेक्शन जो है वो 46% है, विजिबल लाइट ट्रांसमिशन 68% है और जो यूवी रिजेक्शन है वो 99% है। ऊपर तक हमने फिल्म को इंटैक्ट कर दिया है। आप सभी भाइयों को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा अपने चैनल स्काई कार। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। गर्मियां आ रही हैं और सबसे ज़्यादा गर्मियों में प्रॉब्लम रहती है, हमारी एसी की कूलिंग बढ़िया नहीं हो पाती। जितनी भी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हमारे पास हो, ये जो हमारी साइड की विंडोज़ हैं, इतनी हीट इसके अंदर चली जाती है जब हम गाड़ी खड़ी करके जाते हैं। ये बड़े बड़े शीशे हमारी क्लैरिटी के लिए, हमारे विजन के लिए होते हैं, बट इससे हीट भी हमारी गाड़ी के अंदर चली जाती है। सबसे ज़्यादा तो हीट हमारी बैक साइड से और फ्रंट के शीशे से जाती है। एसी चल रहा होता है बट हमारी आगे की जो सीटें होती हैं वो इतनी गर्म होती हैं, टेम्परेचर 45 अगर बाहर है तो अंदर तो आप समझ लो कि 15 डिग्री का और फर्क आ जाता है। ये पूरा एरिया आपका इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि स्टेयरिंग पे हाथ नहीं लगाया जाता, सीटों पे बैठा नहीं जाता। अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर लेदर सीट्स हैं और वेंटिलेटेड है, खैर ये गाड़ी तो, बट हर गाड़ी वेंटिलेटेड नहीं होती। इसी चीज़ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। हम आज फिल्म लगाने जा रहे हैं गरवारे कंपनी की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी लगा रहे हैं। वैसे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि बिना फिल्म लगे हमारी क्लैरिटी क्या है। ये देखिए, अभी इसी में से किसी भी विंडो पे, विंडस्क्रीन पे, साइड के शीशों पे कहीं पे फिल्म नहीं लगी हुई। और जब हमारी फिल्म लग जाएगी, उस फिल्म को लगने के बाद भी ये क्लैरिटी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। गरवारे सन कंट्रोल आई स्कूल फिल्म, इसके अंदर आपको ये ग्रीनिश ग्रे कलर का हम शेड दे रहे हैं। विजिबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इस पर आपको ये होलोग्राम मिल जाएगा जिससे आप इसकी जेन्युइन और ओरिजिनलिटी की पहचान कर सकते हो। हल्का सा बिल्कुल ग्रे टिंट आएगा जो कि किसी को इतना विजिबल नहीं होगा। और लगाने का तरीका हमारा इसमें ऐसा रहेगा कि कोई भी जो है वो जज ही नहीं कर पाएगा कि इस गाड़ी में फिल्म लगी हुई है। ये देखिए, ये हमारी फिल्म है, 70% विजिबल है। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, आपको पूरी की पूरी फिल्म के अंदर से पूरी क्लैरिटी दिखेगी। अभी एप्लीकेशन हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी एप्लीकेशन हम ऑर्डिनरी जैसे फिल्म लगाई जाती है वैसे ही नहीं करेंगे, पूरा एक स्पेशल केमिकल से हम इसको लगाएंगे। क्योंकि जब फिल्म की क्वालिटी स्पेशल है तो लगाने का तरीका और लगाने की वर्कमैनशिप भी बढ़िया होगी। एक्सपर्ट है ये इरफान लड़का, जो कि फिल्म की क्लैरिटी के लिए और फिल्म की फिक्सिंग के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया एक्सपर्ट है। जो हम इस फिल्म को लगाएंगे बिल्कुल ऊपर तक इंटैक्ट कर देंगे ताकि पता ना लगे कि इस गाड़ी में कोई फिल्म लगी भी हुई है। तो छोटे से ब्रेक के बाद अभी हम आपको मिलते हैं इस गाड़ी में पूरी की पूरी एप्लीकेशन करने के बाद। आपको दिखाते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस तो जब आप गाड़ी चलाएंगे आपको हीट में पता लगी जाएगी। क्लैरिटी कितनी रहती है विंडोज़ की वो आपको सबसे पहले दिखाना ज़रूरी है। A few minutes later. अभी हमारी सारी विंडोज़ की जो फिल्म है, साइड्स की, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की पूरी फिल्म हम इंस्टॉल कर चुके हैं। अभी शीशा थोड़ा गंदा है बट आपको फिर भी वीडियो में दिख रहा होगा कि कितना आपको आर पार दिख रहा है। पूरी क्लैरिटी है, पूरी विजिबिलिटी है। फ्रंट की फिल्म जो है अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिटिंग अभी आपके सामने चल रही है, इसको पूरी हीट करके हमने इस विंड स्क्रीन के ऊपर बिठा दिया है। और आप ये देखिए, अभी हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है। ये देखिए कितनी थिन क्वालिटी है इसकी, मतलब थिन का मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आपको इसकी पूरी इंस्टॉलेशन के बाद पूरी की पूरी फाइनल लुक मिलेगी।
और यहाँ इसके ऊपर एक छोटा सा आपको स्टैम्प भी दिखेगा। ये देखिए, ये येलो कलर का आपको एक स्टैम्प दिख रहा होगा। ये इसकी ओरिजिनलिटी की गारंटी है कि ये फिल्म जो है जनवन गरवारे कंपनी की आई स्कूल क्वालिटी की फिल्म है। और आपको बताना चाहूँगा मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो कि मैं जितनी बार भी फिल्म की वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, एज़ पर लॉ और एज़ पर गवर्नमेंट रूल कोई भी फिल्म जो है वो बाय द लॉ पास नहीं है। आप फिल्म नहीं लगा सकते हो अपनी गाड़ी के ऊपर, बट फिर भी आप अगर बिल्कुल लाइट फिल्म लगाते हो उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि वो पता भी नहीं लगता कि आपकी विंडोज़ के ऊपर लगी हुई है। और उसके बाद हमारे फिटर की खासियत कि वो बिल्कुल ऊपर तक इंटैक्ट कर देता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि धूप चली गई है और थोड़ा सा इवनिंग टाइम हो गया है, ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ कि नाइट में इसकी विजिबिलिटी कैसी रहती है। अभी आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी फिल्म को लगने के बाद, चाहे आप बाहर से देखो गाड़ी को और चाहे आप गाड़ी को अंदर से बैठकर देखो। अभी चारों विंडोज और फ्रंट की विंडस्क्रीन में आपकी फिल्म लग चुकी है। सामने का व्यू देखिए कितना क्लियरली विजिबल है। राइट साइड भी आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी, लेफ्ट साइड पे भी। तो मतलब आपको गाड़ी में बैठने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने अपनी गाड़ी के ऊपर कोई विंडो को टिंट किया है। बैक साइड की सीट पे मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। ये देखिए, आप पीछे भी अगर गाड़ी रिवर्स करते हैं तो आपकी विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो पूरी गाड़ी के अंदर से जो है, जैसे आपकी कंपनी से स्टॉक आती है, सेम वैसे ही आपको विजिबिलिटी और क्लैरिटी मिलेगी। साथ में मैं आपको इसके अंदर लगाने का स्किल दिखाता हूँ कि लगने के बाद हमने इस फिल्म को इतना ऊपर तक इंटैक्ट कर दिया है कि कोई जज नहीं कर पाएगा कि इस गाड़ी में आपकी फिल्म लगी हुई है। ये देखिए, यहाँ कोई बॉर्डर नहीं छोड़ा हमने, और आपको लगने के बाद ये बिल्कुल पता नहीं लगता कि इस गाड़ी में कोई फिल्म लगी हुई है। तो कोई एज सच कोई ट्रैफिक रूल की कोई इतनी वायोलेशन नहीं है और कोई चलान वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये इस पूरी फिल्म की मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। गरवारे सन कंट्रोल आई स्कूल शील्ड फिल्म है ये, और इसमें क्लियरली आपके सामने ये विजिबल है। 46% की ये हीट रिजेक्शन देती है, 70% की इसकी लाइट ट्रांसमिशन होती है, और साथ में 99% तक आपकी ये यूवी रिजेक्शन होती है। ये है इस पूरी गाड़ी में आज इस फिल्म का कंसेप्ट। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया गाड़ी लगने के बाद आपके सामने एक इफ़ेक्ट और आपकी जो हीट रिजेक्शन है उसमें कितनी हेल्प हो जाती है। एक और हमने बहुत ही खास चीज़ लगाई है इस गाड़ी के अंदर, इसमें कंपनी से हरमन की स्क्रीन लग के आती है, बिकॉज ये टॉप मॉडल है ईवी मैक्स के अंदर। ये 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट मिल जाता है कंपनी से, बट फीचर्स नहीं है, ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी लैग करता है। मैट्रिक्स कंपनी का इसके अंदर हमने 10 इंची का इंफोटेनमेंट लगाया है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो तो वायरलेस मिलता ही है। 432 GB की इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज मिल जाती है, DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर मिल जाता है, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, और बहुत ही इसका इफ़ेक्टिव और बहुत ही शानदार इसका टच और सब कुछ, आपको फंक्शंस जो है वो बहुत बढ़िया मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू हरमन। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, बट हम लोग मैक्सिमम लगाते हैं इसको गाड़ी के अंदर, तो जो ये हरमन का प्लेयर है इतना बढ़िया इफेक्टिव नहीं है। बैक कैमरा हमने इसका जो कंपनी वाला आया था वो इतना बढ़िया नहीं था, तो बैक कैमरा हमने इसके अंदर अल्ट्रा HD हाई डेफिनेशन कैमरा लगा दिया। पीछे आप व्यू में देख सकते हो कितनी अच्छी क्लैरिटी और कितना वाइड एंगल है, मतलब आपको उस तरफ की भी जो चीज़ें हैं पीछे आपके, वो भी सब इसके अंदर कितनी अच्छी से क्लियरली दिख रही हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन आज इस EV Max का पसंद आया होगा।